नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के तक प्रमुख खबरों को। युवराज सिंह ने हाल ही में आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुए मुकाबले के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई लड़ाई के बाद शांति की मांग बहुत ही मजेदार अंदाज में की है। युवराज सिंह ने पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को सलाह दी है कि उन्हें विराट कोहली और गौतम गंभीर को अपने कैंपेन में शामिल कर लेना चाहिए। शिवसेना में बगावत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां सुरक्षित है, वहां शिंदे गुट के विधायक और कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, हम मुस्कुराते हुए फैसला स्वीकार करेंगे। लोकसत्ता में छपी एक खबर के मुताबिक अब्दुल सत्तार ने कहा है कि मैं भी उन विधायकों में हूं जिनके ऊपर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि 5 सदस्यों को अन्य के मुकाबले बराबरी का दर्जा देकर क्या परिषद को समावेशी माना जा सकता है। बता दें कि वह फ्यूचर प्रूफिंग ट्रस्ट फॉर सस्टेनिंग पीस मुद्दे पर एक खुली बहस के दौरान सुरक्षा परिषद को संबोधित कर रही थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया के उप मुख्यमंत्री चू क्यूंग हो के साथ मुलाकात की और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के और अधिक अवसरों के बारे में चर्चा की। चू क्यूंग देश के अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्री भी हैं। सीतारमण ने विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री संसाधनों सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए भारत में अधिक अवसरों पर जोर दिया है। गो फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इंजन सप्लायर कंपनी प्रैट एंड वेटनी की तरफ से इंजनों की आपूर्ति ना हो पाने के चलते एयरलाइन को अपनी उड़ानों को 9 मई तक रद्द करना पड़ा है। पहले कंपनी ने फ्लाइट्स को 3 दिन के लिए ही रोका था। हालांकि वित्तीय संकट न सुलझने की वजह से गो फर्स्ट की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। अडानी समूह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का पहला इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क बनाने जा रहा है। इसे स्थानीय टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे राज्य के साथ देश को भी फायदा होगा। इस पार्क के लिए विशाखापट्टनम में 3 शिलान्यास समारोह हुआ और इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनन मोहन रेड्डी भी उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बनने पर अजय बंगा को बधाई दी है। बाइडेन ने कहा है कि गरीबी को कम करने और जलवायु समेत वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व बैंक को बदलने के लिए बंगा के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तत्पर है। बॉलीवुड और साउथ एक्टर प्रकाश राज अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ साथ बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। वो एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ राजनेता भी हैं। उन्हें पीएम मोदी के आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है। वो कई बार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। यहाँ तक कि वो पीएम मोदी की तुलना हिटलर से भी कर चुके हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से उन्होंने पीएम पर निशाना साधा है और एक तस्वीर को शेयर करते हुए उनकी तुलना हिटलर से कर दी है, साथ ही भविष्य को खतरे में बताया है। इंटरनेट की दुनिया में भारतीय भाषाओं का दबदबा तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि अब गूगल भी भारतीय भाषाओं की समझ और उपयोग को अपनी प्राथमिकता बना चुका है। गूगल कंतार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आधे से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता ऑनलाइन समाचारों को पढ़ रहे हैं। उनमें से आधे के करीब इसे सबसे विश्वसनीय स्रोत भी मानते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री आज अपने विचार विमर्श में जुलाई में समूह के शिखर सम्मेलन के विचार के लिए 15 निर्णयों या प्रस्तावों के एक सेट को अंतिम रूप देंगे। प्रस्तावों का उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्रों में शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में G20 बैठक की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि G20 देश के लिए गर्व की बात है। हमें श्रीनगर में G20 बैठक के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। उपराज्यपाल ने विभागों से ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए उत्साह पूर्वक योगदान देने के लिए कहा है। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, अरविंद सिंह सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार वर्चुअल मोड के माध्यम से और मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता मौजूद रहे। 65% कोटा नियम के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भोई वर्मा सहित 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। हरीश हसमुख भोई वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। गुजरात के सीनियर सिविल जज कैडर के 2 न्यायिक अधिकारियों ने हरीश हसमुख भाई वर्मा सहित इन 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही हलचल मची हुई है। शरद पवार के एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे चुनने के लिए बनाया गया पैनल शुक्रवार को फैसला कर सकता है।
एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा अपनी आत्मकथा के विमोचन के कार्यक्रम में की थी। इस आत्मकथा में पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती की नाराजगी का एक मामला रेलवे मंत्रालय तक पहुंचा है। बीते गुरुवार को अपने ट्रेन से एक सफर के दौरान उन्हें एक टीटी का बर्ताव इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने फौरन इसकी शिकायत रेल मंत्री से करने में देर नहीं लगाई। उमा भारती के साथ ये वाक्य शताब्दी एक्सप्रेस में सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर रेल मंत्री से अपनी शिकायत कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पणजी में संघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का स्वागत किया। इसके बाद जयशंकर ने उन्हें कार्यक्रम स्थल पर जाने का निर्देश दिया है। बिलावल भुट्टो लगभग 12 वर्ष में भारत का दौरा करने वाले पड़ोसी देश के पहले वरिष्ठ नेता बन गए हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मणिपुर में मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश वहां के हाईकोर्ट ने दे दिया है, जिसके बाद ईसाई जनजाति समुदाय के लोग उग्र हो गए और दंगे करने लगे हैं। मैतेई समाज के लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है। इसमें आगजनी की गई, पत्थरबाजी भी हुई है। बताया जा रहा है कि दंगों में AK-47 बंदूकों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि सभी सुरक्षा बलों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। देश के 5 महत्वपूर्ण स्थानों में रेलवे ने बिहार में बापूधाम मोतिहारी को शामिल किया है। यहाँ बहुमंजिल प्लेटफॉर्म भवन को बनाने की तैयारी में रेलवे जुटा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की लंबाई 80 मीटर की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 मई को ऑस्ट्रेलिया की आगामी यात्रा के दौरान सिडनी में आयोजित भव्य सामुदायिक स्वागत समारोह के लिए अब तक भारतीय समुदाय के 20,000 से अधिक सदस्यों ने पंजीकरण कराया है। आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया वेलकम मोदी नाम से आयोजित एक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ऑस्ट्रेलियाई डायस्पोरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है, जो भारतीय मूल के लोगों को मोदी को देखने और उनके संबोधन को सुनने का मौका प्रदान करेगा। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी 6 मई को आधिकारिक रूप से कर दी जाएगी। इस मेगा इवेंट पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर से इस बड़े समारोह में नामचीन हस्तियां हिस्सा लेने आएंगी। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस इवेंट में पहुंचेंगे। हालांकि इससे इतर आम लोगों के लिए यह इवेंट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कई साल बाद फिर से ब्रिटेन में एक नए राजा की ताजपोशी होने वाली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया है कि मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ जिले के कंडी वन क्षेत्र में शुरू हुई थी। राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सेना की उत्तरी कमान के हवाले से बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने एक ब्लास्ट किया, जिसमें 2 जवान मारे गए जबकि 4 घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन में नाकाम रहने पर बिहार सरकार के खिलाफ 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल की पीठ ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि 2 महीने के भीतर रिंग फेंस खाते में जमा कराई जाए और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का डंका बजाया। ग्लोबल विजन इंडिया फाउंडेशन के निदेशक नचिकेता जोशी को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में भाषण के लिए न्योता भेजा गया है। 8वें मल्टी स्टेक होल्डर फोरम में जोशी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना भाषण रखा। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से उभरने में तेजी लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वास को मजबूत करने के महत्व पर अपनी बात रखी है। भारत की डिजिटल क्रांति आज पूरे दुनिया के लिए उदाहरण बन गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा भारत में वित्तीय समावेश पर राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा कि हम यह मानते हैं कि भारत की वित्तीय समावेश की यात्रा दूसरे विकासशील देशों के लिए उदाहरण बन सकती है। पश्चिमी सिडनी के रोज हिल के स्वामी नारायण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। शुक्रवार सुबह मंदिर प्रबंधन को तोड़फोड़ की सूचना मिली। सुबह पुजारी जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने की दीवार को तोड़ दिया गया था और गेट पर खालिस्तानी झंडा लटकाया गया था। CCI ने इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉइल नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 85% कंपनी अगले 5 साल में एडिशनल लोकल रिक्रूटमेंट की प्लानिंग कर रही है, जिसमें 83% फ्यूचर US इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार CCI के सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले 50% लोगों ने यह भी बताया है कि वे अपनी फंडिंग पाइपलाइन में ज्यादा US बेस्ड R&D प्रोजेक्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी नेता और हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो खिलाड़ियों के साथ अगले मामले को लेकर केंद्र सरकार से बात करनी हो तो उसके लिए भी तैयार है, ताकि खिलाड़ियों को सम्मानपूर्वक न्याय दिया जा सके। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाहुबली मुख्तार अंसारी ने विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में एक अर्जी अपने वकील अंधेर सिंह सुमन के जरिए दी है। वकील के जरिए दी गई अर्जी में मुख्तार
अंसारी ने दुष्प्रचार रोकने की अपील की है। मुख्तार ने अपने नाम के आगे गुड़गा माफिया, बाहुबली व डॉन लगातार बदनाम करने का पुलिस और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर आरोप लगाया है। मुख्तार ने यह भी लिखा है कि देश के निर्माण में उसकी और उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में नौ फंसे हुए भारतीय का एक समूह जेद्दा से मुंबई लौटा है। संकटग्रस्त देश से लौटने के बाद लोगों के चेहरे पर गजब की खुशी देखने को मिली है। भारत लौटे एक प्रवासी सलीम ने कहा है कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था और करीब 20 दिनों तक सूडान में फंसा रहा। उन्होंने कहा कि जब मैंने वहां के दूतावास से संपर्क किया तो उन्होंने जल्द मेरी मदद की है। यमुना प्राधिकरण में फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनाई गई है। इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार की कंपनी इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाई है, जो कि यमुना प्राधिकरण बोर्ड से पास हो चुकी है। डीडीपीआर का शासन की पीपी परियोजना के लिए गठित वैल्यूएशन कमेटी भी स्टडी कर चुकी है। इसे पास करने से पहले कमेटी ने कहा था कि जिन देशों में पॉड टैक्सी चल रही है वहां की स्टडी कराई जाए, उसके फायदे नुकसान के बारे में पता किया जाए, तब इस बात पर आगे बढ़ेगी। बिहार में चल रही जाति आधारित जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के अगले ही दिन राज्य सरकार ने अपील दायर की है कि सुनवाई कर फैसला जल्द दे दी जाए। राज्य सरकार का मानना है कि अगर पटना हाईकोर्ट उसे अंतिम रूप से राहत नहीं देगा तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अंतिम आदेश सरकार के खिलाफ है, इसलिए सरकार को हाईकोर्ट से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दो महीने में पूरी प्रक्रिया बैठ जाएगी, क्योंकि रोक का आदेश आते ही सरकार ने प्रक्रिया जस का तस रोक दी है। 19 मई के बाद 18 जून तक पटना हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी रहेगी। इसे देखते हुए सरकार ने जल्द सुनवाई की अपील की ताकि गर्मी छुट्टी से पहले बचे 15 दिनों के अंदर फैसला आ जाए तो वह आगे की प्रक्रिया कर सके। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमन कुमार, एमडी साकिर हुसैन, एमडी अली और दीपक कुमार। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, डिजिटल युग पर आपके क्या विचार है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।